के चर्चा पर मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के मार्गदर्शन में देश के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट हेतु मैं आदरणीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को और हमारे राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। अध्यक्ष जी, सभापति जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन किसी भी क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण पैमाना है और सड़क की बात यदि कहें तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इसका विशेष और महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदरणीय सभापति महोदय, 83,016 करोड़ के इस बजट के बारे में अगर मैं कुछ कहूं और मुख्य रूप से मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग के विषय के बारे में कुछ अगर बिंदुओं की बात कहूं तो मैंने इसमें देखा है और हम सभी ने देखा है, जब यहां पर इस सदन में सभी ने इस विषय में चर्चा की है और अपने अपनी बात को रखा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस मंत्रालय का और इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि की इसमें व्यवस्था की गई है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो खराब हो चुके हैं उसको भी उसके भी रखरखाव के लिए यहाँ पर इस बजट में व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में प्रतिदिन 130 से 135 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर उसके लिए राशि सुरक्षित की गई है। भारतमाला योजना के अंतर्गत यदि हम बात कहें तो 2022 तक 35,000 किलोमीटर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। सागरमाला योजना के अंतर्गत तटीय क्षेत्र पर बंदरगाह के आसपास सड़क निर्माण की व्यवस्था भी रखी गई है जो हम सबके लिए एक विशेष विकास का विषय हम सब जानते हैं कि ये है इस बजट में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि इस बजट में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए उसकी कनेक्टिविटी के लिए चिंता की गई है, मैं उसके लिए हृदय से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मैं अगर व्यक्तिगत बात कहूँ तो 14 वर्ष का समय मेरा नॉर्थ ईस्ट में बीता है, दक्षिण पूर्वी राज्यों में मेरा बीता है और वहाँ पर मैंने देखा है कि आधे घंटे का जब सफर की बात आती है तो निश्चित रूप से डेढ़ से एक से डेढ़ गुना का समय लगता है और जब वहाँ की रोडें खराब होती हैं तब आप देखते हैं कि 3 से 4 गुना का समय लगता है। और इस विषय में जब हमारे विशेष पहल हमारी सरकार अगर कर रही है और आदरणीय गडकरी जी ने इस विषय पर अपना पहल किया है तो मैं उसके लिए हृदय से आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बात और मैं व्यक्तिगत रूप से साझा करना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र सभापति महोदय सीधी कहलाता है और सीधी संसदीय क्षेत्र कनेक्टिविटी के अगर दृष्टि से देखा जाए तो विहीन ही नजर आता है। रेलवे भी नहीं यहाँ पर और राष्ट्रीय राजमार्ग अगर कहें तो NH 75 यहाँ पर पहले हुआ करता था जो अब नाम बदल कर NH 39 हो गया है। रीवा से जब सिंगरौली तक का सफर जब हम 2014 के पहले जब हम सफर तय करते थे तो मुझे याद है कि उस सफर को तय करने के लिए 8 से 9 घंटे का समय लगता था, लेकिन 2014 में जब हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और नितिन गडकरी जी ने जब अपना इस मंत्रालय का प्रभार संभाला तो हमें एक विशेष सौगात प्राप्त हुई। इस सड़क के बीचों बीच रीवा से सीधी तक आने के बीचों बीच एक पुल बना करता था, पुल हुआ करता था सभापति महोदय, जिसका नाम कुलदहा पुल के नाम से हम सब जानते थे, लेकिन इस पुल का नाम कुलदहा पुल के बजाय सोन नदी के पुल के बजाय इस पुल का नाम दुर्घटना वाला पुल कर दिया गया था, क्योंकि समय कई कई बार ऐसा हुआ कि कई कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इस पुल से हुई, क्योंकि इस पुल की स्थिति ये थी कि बरसात के मौसम में जब इस पुल पर पानी भर जाया करता था तो 3 से 4 दिन का समय इस पुल से पानी नीचे उतरने में लग जाया करता था और इतनी सकरी पुल होने के कारण कई सारी दुर्घटनाएं, बस 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, इस पुल से कई सारे दुर्घटनाएं हुआ करती थी और इसका मार्ग भी अवरुद्ध हो जाया करता था जिससे हमको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैं आदरणीय गडकरी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के साथ ही रीवा से सीधी तक का रोड का निर्माण कराने में गति प्रदान की और साथ ही उन्होंने इस पुल का भी निर्माण कराया जो हमारे लिए स्वप्न की तरह था। अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर देश के विकास के परिणाम को मैं देखती हूँ
निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ही अच्छा बजट है और हम सबके लिए भविष्य का निर्धारण करने वाला बजट है। लेकिन इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मुझे अपनी बात रख लेने दे, बहुत आवश्यक बात है और मेरे लिए देश का बजट तो आवश्यक है ही, लेकिन मेरे लिए अपने क्षेत्र का विषय भी बहुत आवश्यक है। एक मिनट का समय दें, मुझे रख लेने दें। अध्यक्ष महोदय मैं दुखी मन से मैं जरूर कह रही हूँ कि पिछले दो हफ्तों से हमारे सीधी से सिंगरौली का आवागमन का मार्ग अवरुद्ध है, क्योंकि इस विषय में मैंने आदरणीय मंत्री जी को पहले भी संज्ञान में लाने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस विषय को अत्यंत गंभीरता से संज्ञान में ले, और क्योंकि ये जो पुल है, ये क्षमा करेंगे, ये जो रोड है ये 6 साल से निर्माणाधीन है और करीब करीब 10 साल से निर्माणाधीन है, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम सबको विशेष तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कई सारी दुर्घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। हमारा सिंगरौली इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं, और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस पुल के निर्माण के लिए आदरणीय मंत्री जी को हमारी ये सदन शीघ्र निर्देशित करे, और CRF का फंड जो हमारे लिए छोटे छोटे कामों के लिए जो चिन्हित था उसे CRIF कर दिया गया है। इस सब नाम ही परिवर्तन नहीं हुआ है, काम भी इसका परिवर्तन हो गया है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जो कि वित्त मंत्रालय में इसको समावेश कर दिया गया है, तो इसलिए इसको वापस अगर कर देंगे तो हम सभी सांसदों के लिए कई बड़े काम हो सकने में इसकी संभावनाएं बनेंगी। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन्हीं अपेक्षाओं के साथ देश के विकास में भविष्य का निर्धारण करने वाले इस बजट के लिए मैं हृदय से बधाई देते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। ऑल मेंबर CNK प्रेमेंद्र। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन सर फॉर अफोर्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन डिमांड नंबर 83, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड द वंडरफुल एंड द एक्सेम्प्लरी वर्क डन बाय ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इन बिल्डिंग अप द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन हिज पोर्टफोलियो, because it was widely accepted in the country, even in the 16th